भाई सुबह के 4 बज रहे 4 और हम लोगों को लग रही थी भूख। पता हम लोगों ने स्विगी से ऑर्डर किया, बंदा आया होगा। देखो बालकनी देख रहे थे कोई है ही नहीं। कौन से गेट पे है भाई? तो भाई फोन लगा रहे थे इसको, कौन से गेट पे पहुंच गया। देख रहे हो भाई रात को 4 बजे सुबह के 4 बजे भाई रात की भी छोड़ो सुबह के 4 बजे स्विगी से बर्गर आ रहे हैं। इनको भूख लग रही थी जनाब को और हमें भी। प्लेट्स लेके आए हैं खाते हैं, प्लेट्स लेके आए हैं खाते हैं। चाय भी पी ली, बिस्किट भी खा लिए, अब जाके भाई सीधा बर्गर खा रहे हैं। सब मिला है इसमें बर्गर, बर्गर खाते हैं बर्गर। 4 बजे सो रहे हैं, हमको लग रही थी भूख तो हमने किया मैगी से ऑर्डर। हमने सोचा 3 बजे ऑर्डर करेंगे, आ जाएगा। इतने 4 बजे आ गई, जब से जाग ही रहे हैं खाने के लिए। चलो कोई ना खा लेते, कोई ना खा लेते हम भी, क्या दिक्कत है। बर्गर तो आ गए अपने, सॉस निकालना भाई 3-4। ठीक ठाक है, ठीक ठाक बर्गर आया भाई। ठीक ठाक है, ठीक भूख कम हो जाएगी। ठीक है तो डे 3 भाई, बहुत अच्छा सफ़र रहा भाई। हम लोग जा रहे हैं भाई नहाने के लिए सुबह सुबह से पूल में। क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत है क्या? सभी लोग आ गए भाई पूल पे नहाने के लिए। मज़ेदार दिन जा रहे हैं भाई, आज फोटो वगैरह जाएंगे, शाम को दिखाएंगे फिर आपको कैसा लगता है वहाँ पर, कैसा सीन है, सब कुछ दिखाएंगे। क्या हो गया? हाँ हाँ भाई तो गाइस सभी आ गए यहाँ पे खाने के लिए, एक दूसरी लोकेशन पर सभी खा रहे हैं भाई छत्ते के नीचे। बढ़िया लोकेशन है, तू देख रहा है साल। तो इन लोगों ने एक प्याज के चक्कर में पूरा रेस्टोरेंट चेंज कर दिया। एक 50 रुपए की प्लेट दे रहा था, पूरा रेस्टोरेंट चेंज कर दिया। सभी तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं अगुवाड़ा बीच। भाई अगुवाड़ा बीच चल रहा है और क्या, हम तो चल रहे भाई। भाई अगुवाड़ा बीच चल रहा, चलना तो तैयार हो ना। इसकी मजे ले लिए भाई, वैसे गुस्सा है बैठे हम चढ़ा दिया इसको भाई। और भी भाई चले रोल भाई, कर लिया है ठीक है भाई, नहीं जाओ तुम चले बंटी भाई, चलो तो चलना तैयार हो ना। कब से यही टी शर्ट डाल के मैं, हाँ भाई चल तैयार हो ना चलना। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं अगुवाड़ा बीच के, अगुवाड़ा फोर्ट भाई। मैंने उसको भाई पहले नाम सर्च करना पड़ा, उसका नाम फिर पड़ जाएगा हिंदी में ट्रांसलेट करके, सही है कि नहीं भाई? हाँ अगुवाड़ा पहाड़ पहाड़ है, देख लेना तू सर्च कर ले। तो भाई फिर से एक बस की यात्रा अब फोर्ट के लिए। हाँ भाई डांस आए है, आए है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी अभी कैप लिया है, खरीदी है गाइस, ये रोड पे पड़ी हुई मिले भाई, बताना जरूरी है सबको, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया। ये उठा के लेके पहन लिया, इतनी फोटो की इसकी भाई, लेकिन भाई बढ़िया है, पर मजा आ रहा है चल के। ओ भाई यहाँ तो ओए नदी निकली है, कूद जाए क्या, नहाना तो नहीं है किसी को? यही तो मजे है, सर से मैच कराई पूरी मैंने। अबे चलते गाड़ी चढ़ा के लेके आए, चलते रास्ते से गाड़ी से बंदा जा रहा था, वो हाथ डाल के निकाल ली, देखो पता भी नहीं चला। नहीं राहुल भाई चलो भाई अब पहुंचते फोर्ट पे, फोर्ट का रास्ता आता जा रहा है बस। तो दोस्तों हम लोग भाई फोर्ट के आसपास पहुंचने वाले हैं भाई। यहाँ पे भाई गजब तरीके की यार देख बोटिंग वगैरह होती है पूरी, यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप खड़ी है, मतलब शिप क्या भाई बोट खड़ी है बड़ी बड़ी। आपको अगर आना है तो आप लोग आ सकते हो, यहाँ से भाई बोटिंग के लिए जा सकते हैं भाई। ये पूरी बोटिंग एरिया है, पूरा बोटिंग एरिया है भाई। क्रूज वाला फील तो ऐसे आ जाएगा भाई, एक क्रूज वाला फील नहीं देगा। मंदिर भी है भाई यहाँ पे, मंदिर वगैरह भी बने हुए हैं। फोटो लेते हैं। अरे ये दोस्त सारे थक गए हैं और थक के बैठ गए हैं, इतना स्टेमिना कम है इनमें, तभी इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। कितने कमा लेते हो, कितने कमा लेते हो ब्लॉगिंग सर? कुछ भी नहीं। व्हाट डू यू फॉर लिविंग सर? वो तो नौकरी करते हैं हम।
दस से छह वाली बस, तब भी झोकरी नहीं है। शो देखने जा रहे हैं भाई, चलते हैं क्या? अरे चलना भाई, डॉल्फिन शो देखने चलते हैं भाई। ये बोट जा रही है, हम लोग डॉल्फिन शो देखने जा रहे हैं। किस किसमें बैठने का भाई? कौन सा पड़ते बोला भाई? तू ये किसमें बैठने का है? मगरमच्छ दिख गया, सेट होने थे। भाई क्या मत लग रही भाई बोट है। हैप्पी बर्थडे। सामने तो यार अभी दिखे नहीं क्या तुझे भाई? तो पूरे घूम रही भाई, अब लाइफ जैकेट लिए बजाई थी भाई। वहाँ देख कितनी है, वहाँ देख उस तरफ राइट में। हाँ भाई और आगे ले चलो थोड़ा सा, वो देख उस तरफ, देख वो देख, नहीं देख। ये डॉल्फिन, ओ ओ भाई डॉल्फिन, सीजन मत करना। तो खड़े हो सकते ना, नहीं तो खड़े हो सकते ना। अबे खड़े तो हो सकते, पागल है बीच में वजन ज्यादा पलट गई वो है भाई। ये लड़ाई चल रही, लड़ाई हो गई भाई उनकी। अरे तीन चार है भाई एक साथ, बढ़िया बढ़िया। हमने देखा डॉल्फिन जंप भी करती है, ये क्यों नहीं कर रही है? लगता है इसकी स्प्रिंग पड़ गई है। हसीना मान जाएगी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी संजय दत्त गोविंदा अनुपम खेर की। अच्छा, और उसके ऊपर दिख रहा है ना व्हाइट कलर का सेंट लॉरेंस चर्च, सेंट लॉरेंस चर्च। हसीना है इसके अंदर, तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई डॉल्फिन देख के। यहाँ पे कुछ ही डॉल्फिन दिखी, उसके बाद चारों तरफ घुमाया। यहाँ पे भाई बहुत बोट्स हैं भाई घूमने के लिए, यहाँ पे बीच बीच में आती रहती है डॉल्फिन थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत वीडियो में देखा ही होगा। तो वापस जा रहे हैं, इसके बाद जाएंगे सनक्यूरम बीच में, वहाँ पे देखते हैं भाई सनसेट अपन को नसीब होता है या फिर नहीं। सनसेट होने वाला है, ये तो भाई वो फाइनली आ गए भाई डॉल्फिन शो देख के। ज्यादा मजा नहीं आया, बस थोड़ा बहुत आया। तो उतर ही तो रहा है भाई, अब क्या? जैकेट 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 उतार के साइड में रखो बोल रहा है। अच्छा जैकेट उतारना है, जैकेट लेके जाना था क्या भाई इनकी? सब लोग जैकेट नहीं उतार रहे, हम लोग पीछे जा रहे हैं। ला मैं रख दूं, ठीक है पीछे जा रहे हैं। अच्छा पीछे जाना है, अच्छा नहीं पाओगे था।
चलो रे पीछे हो जाओ भैया, खचो नहीं पा रहे लोग बोट को। हम आ जाएंगे ना खड़ी, आवाज है। चलो चलिए भैया, हो गई। अरे है पानी मतलब बस इतनी सी थी, इतने में घूम के आ गए भाई। चलो जितना मजा आया काफी था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डॉल्फिन ने डॉल्फिन दिखी थी, आपस में खेल कूद कर रही थी, कुछ ना कुछ तो कर रही थी। दो डॉल्फिन, एक मेल था एक फीमेल था, दोनों कुछ कर रहे थे। थ्रीसम हो रहा था भाई, घूम के आ गए, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आया, बोर हो गए भाई। आधी बोट में तो तीन चार डॉल्फिन दिखी और कुछ नहीं। अब कल जाएंगे, कल देखते हैं भाई। राइड पता वो एक्टिविटी होंगी तो अच्छा लगेगा। मैं तभी बोल रहा था एक्टिविटी में दिखते हैं, क्योंकि वो बीच में ले जाएंगे, वहाँ दिखेंगे तुमको।